शरद पवार और अजीत पवार में राजकारण को लेकर टकराव चल रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पवार साहब सीनियर लीडर हैं, अजीत साहब जो है उनके भतीजे हैं। बहुत अच्छी आपसी भाईचारगी थी, कुछ वजूहात क्या आ गई भागी। मैं दुआ करता हूँ कि दोनों ये परिवार एक हो जाए और एक हो गए इलेक्शन लड़े। समाजवादी लोकसभा की कितनी सीट यहाँ पर डिमांड करेंगे? देखिए, हमारी बात हुई थी श्री अखिलेश यादव जी से कि महाराष्ट्र में 2 सीटें हमको लड़ना चाहिए, तो मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ कि हमें 2 सीटें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, और इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है। 2 सीट का प्रस्ताव आपने महाविकास आघाड़ी के सामने? मैंने नहीं, मैंने वहाँ दिल्ली में लोगों रखा है, उन्होंने रखा है। मैं भी अभी समय है थोड़ा, मैं सर्वे करने के बाद 8 तारीख को बॉम्बे पहुंचूंगा, उसके बाद फिर डिस्कस करूंगा इस बात में। आने वाले लोकसभा में 400 के पार जाने वाले ऐसे भाजपा बता रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा भाजपा बता रहे तो भाजपा को अब कहां से पता चल गया, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कि इनकी सेटिंग है ईवीएम में, इसलिए वो बोल रहे हैं। पहले से मालूम है कि भाई कुछ भी हम पार कर लेंगे। तो अगर ऐसा लगता है कि 400 के पार जाएंगे, तो मेरा भाजपा के लीडरों से ये मेरा निवेदन है कि आप एक बार ना बड़ा दिल करके ना ईवीएम को फेंक दीजिए उठा करके, और जो है इस पे ईवीएम से इलेक्शन मत करिए। तो फिर अगर 400 पार होगा ना, तो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे जितने लोगों के ये थे, हमारे ऊपर आरोप थे ना, वो आरोप खत्म है, फिर भी हम पार कर गए, तो और ज्यादा मजा आएगा। भाजपा नितिन गडकरी पर अन्याय कर रही है कि उनका नाम नहीं लिया? नहीं, मैं भी कहूंगा अगर नहीं उनका नाम लिया तो अन्याय है। ये नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ही दूरअंदेश आदमी हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हालांकि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो आदमी सांप्रदायिक नहीं है, वो हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी के लोगों को इतने बड़े नेता को पार्टी टिकट देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी आक्रामक क्यों नहीं है? आक्रामक होगी तो जेल भेज देंगे, कई लोगों को गोली मार देंगे। हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अगर हमने जिस तरह से ये मराठा आरक्षण के लिए लोगों ने सड़क उतरे हैं और हम इस तरह करते हैं ना, तो मेरे कई सौ लड़के मार दिए जाते हैं, कई सौ लोग जेल चले जाते हैं। मनोज चरंगे के ओबीसी आरक्षण के लिए आप सहमत है क्या? नहीं नहीं, मैं उनके आरक्षण के लिए पूरा सहमत हूँ, परंतु ओबीसी का कोटे में से आरक्षण नहीं देना चाहिए। नितिन गडकरी का नाम नहीं आने की वजह से साजिश है क्या अमित शाह और इनकी पंतप्रधान? नहीं, मुझे नहीं, और टिकट कौन बांटता है, कौन वहाँ उनके यहाँ कौन है जो आइडियोलॉजी बनाता है, तो ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन कोई भी शादी कर रहा है तो ये शादी अच्छी नहीं, ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगी। आप समाजवादी से लोकसभा लड़ने के लिए इच्छुक है? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं लड़ूंगा, मैं महाराष्ट्र में रहूंगा। मैं महाराष्ट्र से मोहब्बत करता हूँ, लव करता हूँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र में रह करके निचले तबके से लोगों से मिल करके, पुलिस से, कलेक्टर से, यहाँ मेरी हमेशा मुलाकात होती है, हाउस में बुला सकता हूँ उनको मैं एज ए विधायक एमएलए, तो एमएलए ज्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है। महाराष्ट्र के जो राजकारण है, जो गलियारे में जो इस तरह की कोशिशें कर रही है, तो वोटरों को आप क्या अपील करेंगे? मैं वोटरों से कहूँगा कि सब अपना अपना नाम चेक कर लो, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका नाम कटवा देंगे, और सुबह 6 बजे 7 बजे चले जाना जल्दी से, नहीं तो आपका वोट भी चुरा लेंगे। और 100% वोटिंग करना। मैं माँ और बहनों से जो बुरका पहनती हैं उनसे भी कहूँगा कि आप जाएंगी तो आपका बुरका उतारा जा सकता है, आपको 4 घंटे बाहर खड़ा किया जा सकता है, उस सारे दुख आपको बर्दाश्त करना है और आपको 100% वोटिंग करना है। महाराष्ट्र की कौन सी 2 लोकसभा की सीटें जो समाजवादी पार्टी मांगने वाली? जो अगर हम मांग सकते हैं, अभी हम सर्वे कर रहे हैं, लेकिन मालेगांव धुलिया और मुंबई की जो है ना नॉर्थ ईस्ट सीट ये हम मांग सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है।